जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। दरअसल उसकी कोख में एक नन्ही जान जो पल रही होती है, इसलिए गर्भावस्था में स्त्री को खुद के साथ साथ अपने होने वाले बच्चे की देखभाल भी करनी होती है। शिशु की नींव गर्भावस्था के दौरान ही रखी जाती है। माता के खान पान का शिशु के शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए घर के बड़े सभी शुभचिंतक माता को विभिन्न तरह की सलाह देने लग जाते हैं। आइए आज शिशु से इसी विषय पर बात करें। आप भी अपने गर्भ पर हाथ रख सौम्यता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपने शिशु से कहें, हे मेरी संतान, तुम मेरे लिए कितने खास हो यह मैं तुम्हें कुछ शब्दों में नहीं बता सकती, पर तुम जानते हो तुम्हारे आने से पूर्व मैं एक अलहड़ अव्यवस्थित जीवन जीती थी। खाना सही समय से लेना, पौष्टिक आहार लेना, यह सब कई बार नज़रअंदाज किया करती थी। पर जब से मैंने तुम्हारे आने के सपने संजोने लगी, तभी से मैं अपना ख्याल विशेष रखने लगी हूँ। तुम जानते हो हमारे सनातन धर्म में भोजन को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मम, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात खाने का हमारे भावों पर मुख्य प्रभाव पड़ता है। हमारी गीता में भी खाने के तीन मुख्य प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, जो हमारे शरीर में विभिन्न गुणों की वृद्धि करते हैं। पहला है सात्विक, अर्थात ताजा, रसयुक्त, हल्की चिकनाई युक्त और पौष्टिक खाना। इसमें अन्न, दूध, मक्खन, घी, मट्ठा, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवा आदि शामिल है। सात्विक भोजन करने से सत्य, ज्ञान, मन की स्थिरता व गंभीरता आदि सकारात्मक गुणों की वृद्धि होती है। दूसरा है राजसी भोजन। इसमें सभी प्रकार के पकवान, व्यंजन, मिठाइयाँ, अधिक मिर्च मसालेदार वस्तुएँ, फास्ट फूड, चाय, कॉफ़ी शामिल है। राजसी भोजन करने से आलस, शरीर में भारीपन बढ़ता है तथा मन चंचल बना रहता है। तीसरा है तामसी भोजन। इसमें प्रमुख मांसाहार माना जाता है। पान, तंबाकू, मदिरा, कोको, सोडा, व्यसन और बासी पैक्ड फूड इसमें शामिल है। तामसी भोजन व्यक्ति को क्रोधी विचार एवं व्यवहार में कठोरता, क्रूरता को बढ़ाते हैं, साथ ही कई प्रकार के तन और मन दोनों के लिए प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। अतः तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक गुणों की वृद्धि हो, इसके लिए मैं अपनी इंद्रियों पर विशेष संयम रखती हूँ। कभी कभी थोड़ा राजसी भोजन ले लेती हूँ, पर तामसी से तो एकदम दूर रहती हूँ। जब अधिक मन करता है तो तुम्हारी प्यारी मुस्कान का स्मरण करती हूँ। सोचती हूँ तुमसे ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं उससे मैं दूर ही रहूँगी। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारी संस्कृति की प्राचीन परंपरा है भोजन से पहले भगवान को भोग लगाने की। यह एक प्रकार से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसे तुम भक्ति पूर्वक समर्पित करो, मैं तुम्हारे द्वारा समर्पित वस्तुओं को स्वीकार करूँगा। अतः मैं अपने भोजन को प्रसाद रूप में बनाने के लिए भोग अवश्य लगाती हूँ। इसमें मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, पर इस साधारण सी प्रक्रिया द्वारा मैं अपने भोजन के प्रभाव को अनंत गुना बढ़ा लेती हूँ। भगवान को भोग लगाने से सारी बैड वाइब्रेशंस दूर हो जाती है। कहते हैं आहुतियों द्वारा घर की शुद्धि होती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तुम जानते हो विभिन्न तरह के डाइट प्लान फॉलो करने की बजाय मैं अच्छे मन, शुद्ध भाव से भोजन करती हूँ। भोजन करते समय तुम्हारा स्मरण करती हूँ। सोचती हूँ यह पौष्टिक आहार मेरे गर्भस्थ शिशु को संपूर्ण पोषण प्रदान कर रहा है। मेरा बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से तेजस्वी बन रहा है, हष्ट पुष्ट बन रहा है। उसके संपूर्ण जीवन के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। उसकी अंदरूनी कोशिकाएं अनंत गुना प्रभावित हो रही है। उन्हें उचित मात्रा में सभी पोषण मिल रहे हैं। मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तब पूर्ण स्वस्थ रूप में होगा,
सबका राज दुलारा प्रसन्न स्वभाव वाला होगा। इस प्रकार बहुत ज़्यादा कुछ अपने लिए अलग से बनाने की जगह जो भी घर में बनता है उसे ही भगवान का प्रसाद रूप में मैं खाती हूँ, और मेरा मानना है यही भोजन तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज अपनी बात को यहीं विराम देकर मैं भावी माताओं से भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम आजकल आहार के बारे में अधिक बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन वर्तमान युग में एक और आहार पर हमारे ध्यान की आवश्यकता है जो उपेक्षित है। जी हाँ, वह है अवचेतन आहार, अर्थात आहार के साथ शुभ भावों को जोड़ना। जैसे उसी भोजन को अच्छे भाव से खाना, खुश होकर खाना, प्रसाद रूप में खाना, यह सब करने से भोजन का प्रभाव बदल जाता है। लेकिन अगर बहुत पौष्टिक आहार भी गुस्से में, किसी चिंता में या दुखी मन से खाया गया तो वह अपना पौष्टिक तत्व खो देता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है अच्छे भाव से खाना। विश्वास मानिए, यह एकदम सत्य है और इसके पूर्णतः वैज्ञानिक कारण भी है, जो मैं आपको एक आगे एक वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह सिर्फ भावों का हमारे शरीर पर असर पड़ता है। और हाँ, अगर आप भोग लगाने की विधि भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं वह भी जल्दी ही बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए आपको 56 तरह के व्यंजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इसे साधारणतः 2 मिनट में भी कर सकते हैं, जिसके अनंत लाभ हैं। आइए फिर से अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपने शिशु को दिव्य और तेजस्वी बनाइए। सिर्फ अपना ही नहीं, वह इस जग का राज दुलारा बन जाए, ऐसे संस्कार आरोपित कीजिए। अपने मातृत्व को धन्य बनाइए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।